नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं और वो है स्थितप्रज्ञता। स्थितप्रज्ञता के बारे में मैंने आपसे इस तरह से बात की थी कि हमें स्थितप्रज्ञ बनना होगा, हमें कर्तव्य पर चलना होगा। तो इन दोनों पर मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आपके सामने रखूँगा। स्थितप्रज्ञता ये दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, वो क्यों है? स्थितप्रज्ञ मतलब क्या? स्थितप्रज्ञ मतलब एक ऐसा इंसान दोस्तों कि जिसके सामने बहुत ही बड़ा समझो दुख आया तो वो उसमें ज़रा भी विचलित नहीं होता, और एक ऐसा इंसान जो जिसके सामने कितना भी बड़ा सुख आए, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा समझो सपना भी अगर पूरा होता है तो ऐसे वक्त में भी वो उसमें बह नहीं जाता, वो उसमें पूरी तरह से मैं खुश हूँ इस तरह से नहीं दिखाता। मतलब क्या? तो जिसका चित्त जो है दोस्तों, जिसका मन है, वो हमेशा शांत रह जाता है। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, जीवन किस कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं ना जो हमेशा शांत होती है, तो एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मुनि, मुनि मतलब सिर्फ वो लोग नहीं दोस्तों जो दुनिया छोड़कर कुछ ऐसा सन्यासी वगैरह, मुनि मतलब एक ऐसा इंसान दोस्तों जिसने सारी चीज़ें को मार डाला है, जो अपना कर्तव्य करके आगे बढ़ रहा है और अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहा है। तो स्थितप्रज्ञ जो इंसान होता है दोस्तों, तो उसको बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी भी किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता। वो अपने जीवन में जो कर्तव्य है, वो एक जो कर्म है उसको करने हैं, वो करते जाता है, लेकिन कभी भी किसी की आशा नहीं करता। एक ऐसा इंसान जो कभी भी दुख और सुख में विचलित नहीं होता, एक ऐसा इंसान। अब बात यहाँ पर आती है दोस्तों कि ये जो स्वभाव का गुण है वो क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, क्या है प्रॉब्लम जो आत्मा की शुरू होती है या फिर हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी जड़ को थोड़ा सा हमें समझना होगा। हम आत्मा के रूप में असल में होते हैं, हम आत्मलोक में रहते हैं और इस जीवन का चयन करते हैं जो हम फिलहाल जी रहे हैं। अब इस जीवन का चयन आत्मा ने बहुत ही अच्छे से किया है और उसको ये पता है दोस्तों कि ये जीवन अगर वो ठीक से जिएगी तो उसका विकास होगा और वो एक एक स्तर आगे बढ़ती जाएगी, ये बात आत्मा को पता है। प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू होती है दोस्तों? जब हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं या फिर इंसान के रूप में यहाँ पर आते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हमारे आजू बाजू होने वाली, इसे हम माया कह सकते हैं। ये जो माया है दोस्तों, इसका प्रभाव हम पर इतना पड़ता है कि हमें यही सच लगता है। हमें आत्मलोक याद नहीं रहता, हमें अच्छाई कभी कभी कुछ लोगों को याद नहीं रहती, कुछ भी अच्छा याद नहीं रहता, त्याग याद नहीं रहता। तो इस वजह से इंसान इन सारी चीज़ों में बहता जाता है। बचपन से कभी कभी हमें सिखाया जाता है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा कमाओगे नहीं तो तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा, पैसा अगर तुम्हारे पास हो और तुम कितने भी बुरे हो फिर भी तुम्हें लोग सम्मान देंगे, ऐसी बातें जब हम बचपन से सुनते हैं दोस्तों, तो इस वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि हाँ यही सच है। मुझे क्या करना है, तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है, और मुझे क्या करना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनना है। सक्सेसफुल मतलब भौतिक जगत में जो बहुत ही बड़ा इंसान होता है वो दोस्तों। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों में इंसान अटक जाता है और वो इन सारी चीज़ों को भूल जाता है। तो स्थितप्रज्ञता एक ऐसा गुण है दोस्तों कि जो उस इंसान को भी ज़मीन पर रखता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्थितप्रज्ञ होगा तो वो सक्सेसफुल या फिर पैसे ज़रा भी नहीं कमाएगा, वो अपने जीवन में ही कहीं तो पढ़ा रहा है या फिर कुछ ध्यान धारणा ही कर रहा है, बाकी ज़िंदगी नहीं जी रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। महत्वपूर्ण क्या है कि जो जीवन हमने चयन किया है उसमें जीकर हम थोड़ा सा स्थितप्रज्ञ बनने की कोशिश करें। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो जीवन में आने वाले प्रॉब्लम्स है उसको हम बहुत ही अच्छे से फेस कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर मुझे कहा गया दोस्तों कि अंटार्कटिका में तुम जाओ, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे पूरा बर्फ़ होता है, तुम जाकर वहाँ पर चल कर आओ या फिर घूम कर आओ, अगर ऐसा मुझे कहा जाए और कहा जाए कि ये तुम्हारा टास्क है कि तुम अंटार्कटिका जाओगे, वहाँ पर एक घंटा ऐसे घूमोगे और आओगे, वो ऐसी जगह है दोस्तों, वहाँ पर 10 मिनट भी हम ऐसे घूम नहीं सकते जो हम भारत में कपड़े वगैरह में रेगुलर यूज़ करते हैं। वहाँ पर जाने के लिए हमें वहाँ के कपड़े चाहिए, जैसे जो बड़े बड़े स्वेटर, आपको एक उदाहरण के लिए कहूँ तो अक्सर चीन में जो हमारे सैनिक जैसे पहनते हैं वैसे वगैरह वहाँ पर ड्रेस हमें चाहिए, तब हम थोड़ा बहुत उस परिस्थिति से लड़ सकते हैं। मतलब क्या आपको मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, हमारी आत्मा समझो यहाँ पर है, अंटार्कटिका में जाना है और वो जो हमें काम करना है, वो हमें एक टास्क दिया है, हमें एक काम दिया है। तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों, अगर मुझे वो सारी चीज़ें दी जाए, वहाँ के जो शूज़ है, वहाँ के जो स्वेटर है, वहाँ के जो जिस तरह से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वहाँ पर हमें सर्वाइव करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें अगर मुझे दी जाए तो मुझे उन सारी चीज़ें का एक क्या, मैं 5 घंटे वहाँ पर घूम सकता हूँ। तो एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो ऐसे वक्त में क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या है कि जो स्थितप्रज्ञ गुण है वो इसी तरह से हमारे जीवन में, हमारे जीवन के जो भी चयन है या फिर हमारा जो प्रारब्ध है या फिर आने वाले जो संकट है, इसको एक स्वेटर की तरह या फिर एक ऐसे आपके आजू बाजू आवरण वो तैयार कर देगा कि हमें अपने जीवन में, रोज के जीवन में जीते समय उसका कुछ भी दुख नहीं लगेगा। एक ऐसा इंसान जो स्थितप्रज्ञ है, समझो मैं आपको एक, आप अपने आंखों के सामने एक इंसान को इमेजिन करो, एक शायद तो किसी को भी, एक ऋषि मुनि को भी आप इमेजिन कर सकते हो, एक अच्छे इंसान को इमेजिन करो,
और आप ये देखो कि वो स्थित प्रज्ञ है। ऐसे वक्त में उसके सामने कितने भी दुख आए दोस्तों, आज मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। एक बहुत ही मैं जानता था, अभी वो नहीं है, बहुत ही उनके एज भी बहुत 98 ऐसी थी, तो वो एक ऐसे इंसान थे ना दोस्तों कि उनके जीवन में मैंने खुद उनको देखा है, बहुत ही होशियार थे। और एक बार ऐसा पल आया कि उनके मेरे सामने एक इंसान ने उनको बहुत ही बुरा वाला कहा, तो मैं एकदम मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो जो इंसान थे दोस्तों 98 ईयर्स के, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और वो हंसते रहे और उन्होंने कहा कि आप कितना भी बोले लेकिन मुझे पता है कि मैं सच हूँ। और वो इंसान भाते से चला गया दोस्तों। मतलब क्या, इनको पता है कि वो सच है। वो एक शिक्षक थे, मतलब शिक्षा कोई गणित के कोई, फिर उसके बाद उनकी बात चल रही थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मैं सच हूँ, तुम मुझे कितना भी बोलो। और वो इंसान वहाँ से चला गया और ये हंसते रहे। इनके मन को वो जो उसने जो भी बुरा भला कहा, वो इसको इनके मन को ज़रा भी नहीं, मतलब उसको विचलित नहीं कर सका वो दोस्तों। महत्वपूर्ण बात है विचलित ना होना दोस्तों। महत्वपूर्ण यही है कि रोज़ के जीवन में अगर हम, मेरे सामने मेरा जो कोई सपना है कल वो पूरा होने वाला है, मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन अगर किसी वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती तो ऐसे वक्त में निराशा थोड़ी सी आनी ठीक है, दुख आना ठीक है, लेकिन मैं निराशा ही में डूब जाऊँ, मैं दुख ही में डूब जाऊँ, तो इस तरह से हमें नहीं जीना होगा दोस्तों। महत्वपूर्ण है कि हमें चित्त जो है हमारा वो विचलित ना हो। स्थित प्रज्ञा गुण इतना बड़ा है दोस्तों, मैंने अभी कहा आपसे कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हम 10 मिनट भी ठीक से नहीं रह पाते, कुछ ऐसी चीज़ें ये स्थित प्रज्ञता, ये गुण हमारे सामने इतनी ताकत ला सकता है कि एक घंटा क्या, एक 10 मिनट क्या, एक घंटा क्या, हम 5 घंटे वहाँ पर बहुत ही अच्छे से काट सकते हैं किसी भी चीज़ के बिना पर। मतलब अगर वो हमें चीज़ हमारे दिल में आ जाए तो हमारे जो जीवन है वो इतना सफल बन सकता है, इतना बड़ा बन सकता है। मैंने एक बार आपसे कहा था कि जो मोक्ष का अधिकारी होता है इंसान, उसको अगर मोक्ष भगवान ने कहा कि अगले 100 जन्म में तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से, ऐसा जो मोक्ष का अधिकारी समझो इंसान होगा, तो वो जो मोक्ष का अधिकारी इंसान होगा ना, वो इससे भी विचलित नहीं होगा कि मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। वो अपना कर्म करते जाएगा और एक दिन उसको ज़रूर मोक्ष मिलेगा दोस्तों। मतलब क्या कि उसके सामने जो दुख है वो उसको कुछ भी नहीं लग रहा, वो सिर्फ अपना कर्तव्य करके आगे बढ़ रहे। आज भी मुझे याद है कि महाभारत में जो भगवद गीता का जो भाग दिखाया था, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने एक वाक्य कहा था कि जो स्थित प्रज्ञ इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें छोड़कर अकेला ही जीवन कहीं पर जंगल में या फिर हिमालय पे जाकर बिता रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो स्थित प्रज्ञ इंसान है वो रोज़ का जीवन जीते ही, रोज़ का कर्तव्य करते ही अपने अपने जो सफलतापूर्वक उसने प्रारब्ध में चुना है या फिर उसके जीवन में जो घट रहा है या फिर जीवन में जो अच्छे मूल्य है उसको धारण करके वो अच्छा इंसान उसी तरह से आगे बढ़ेगा। स्थित प्रज्ञा मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें जीना होगा। स्थित प्रज्ञा मतलब एक ऐसा इंसान जिसको सुख आए दुख आए, जो इन सारी चीज़ों में अपने आप को विचलित नहीं होने देता, वो अपना कर्तव्य बहुत ही अच्छे से कर रहा है और वो कभी भी किसी का दुख नहीं दे रहा किसी को, निस्वार्थ कर्म जो अपने हिसाब से कर रहे, निस्वार्थ कर्म ये स्थित प्रज्ञता का बहुत ही बड़ा गुण है दोस्तों। जो स्थित प्रज्ञ इंसान है वो लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें करेगा और उनसे एक कौड़ी की भी आशा नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों से क्या होता है, उनका जो पुण्य है दोस्तों वो अपने आप बढ़ता जाएगा। अगर मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ और उससे कुछ आशा कर रहा हूँ, तो उसे मुझे पुण्य शायद ना मिल सके क्योंकि मैं आशा कर रहा हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें निस्वार्थ रीति से नहीं की। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ इंसान होता है वो दुनिया के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बड़े बड़े काम करता है और उनसे कुछ भी आशा नहीं करता, वो यही चाहता है कि उसके लिए वो खुश रहे, इस तरह से वो मदद करता है। तो ऐसे वक्त में उसका जो पुण्य है या फिर उसके जो अच्छे काम है वो इतना उसको बड़ा बना देंगे कि उसके जो आत्मा का विकास है दोस्तों बहुत ही अच्छे से होता जाएगा और उसका विकास होते होते एक दिन ऐसा आएगा जब उसको मोक्ष भी मिल जाएगा, तब उसको इस पृथ्वी पर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से मैंने आपसे निवेदन करता हूँ कि स्थित प्रज्ञता गुण जो गुण है वो हमें धारण करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। बहुत इसके लिए मन की तैयारी होनी चाहिए, वो एक दो साल भी लग सकते हैं वो सारी चीज़ें सिर्फ धारण करने के लिए, मन को उतना बनाने के लिए, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, ये पॉसिबल है। कभी कभी मैं इतना नहीं कहता, लेकिन छोटी मोटी बातों में हमें देखना होगा कि हम थोड़ा सा स्थित प्रज्ञ होने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें समझो, बहुत लोगों को उठने के बाद 10 मिनट में सब उनका नहा के वगैरह बाद उनको चाय चाहिए, अगर ना मिली तो वो अपनी पत्नी पर अपनी बेटी पर वगैरह गुस्सा करते, तो ऐसे वक्त में नहीं मिली तो नहीं मिली, वो देंगी ना लाकर, इस तरह से सोचना चाहिए। इन इतनी छोटी छोटी बातों से हमें थोड़ी सी शुरुआत करनी होगी दोस्तों। और एक स्थित प्रज्ञता का जो गुण है वो श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो भगवान जी ने कहा है, जिस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं उसको धारण करके अपने जीवन में जीने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, और भी अगर कुछ आपको जानना हो तो आप ज़रूर पूछें, और भी अगर स्थित प्रज्ञता के बारे में
मुझे कुछ अच्छे से उदाहरण मिले या फिर जो मैं ऐसे कह नहीं सकूँ, तो इस तरह से मैं आपको ज़रूर कहूँगा आज के इस भाग को लेकर। और दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।